गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माई चैनल। और आज की क्लास में हम इंडियन फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड 100 इम्पॉर्टेंट MCQs को डिस्कशन करेंगे और उनके उनके आंसर आंसर भी करेंगे और एक्सप्लेनेशन भी करेंगे, राइट? सो ये जो 50 क्वेश्चंस होने वाले हैं आपके इंडियन फॉरेन पॉलिसी से, ये आपके MA एंट्रेंस एग्जाम टेस्ट में एज वेल एज UGC नेट का जो एग्जाम होगा उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड टू यू गाइस कि जो 50 क्वेश्चंस हैं रिलेटेड टू इंडियन फॉरेन पॉलिसी, आप इन्हें प्रैक्टिस करके जाओ। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चंस हैं, लेकिन हाँ, सबसे पहली चीज़ तो यही है कि हर एक टॉपिक के एटलीस्ट जो फंडामेंटल्स फैक्ट हैं वो आपको पता होना चाहिए, राइट? तो इसी इसी क्रम में, ऐसी सीरीज में जो ये 50 फंडामेंटल्स फैक्ट्स हम कर रहे हैं इंडियन फॉरेन पॉलिसी के, वो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। सो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपको मेरा कंटेंट या मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक्स अ लॉट। शुरू करते हैं आज का वीडियो। सो इंडियन पहला क्वेश्चन है आपका, इंडियन पॉलिसी इज द सब्सटेंस ऑफ फॉरेन रिलेशन, ये किसने कहा है? इंडियन सॉरी फॉरेन पॉलिसी इज द सब्सटेंस ऑफ फॉरेन रिलेशंस, ये स्टेटमेंट या ये डेफिनेशन ऑफ फॉरेन पॉलिसी किसने दी है? तो ये दी है आपके सेल्डर ने, सॉरी G.R. चाइल्ड ने। राइट तो ये राइट आंसर आपका हो जाएगा बी। नेक्स्ट चलते हैं कि जो फॉरेन पॉलिसीज आर सिंथेसिस ऑफ एंड्स एंड मींस, तो जो फॉरेन पॉलिसी है ये सिंथेसिस है किसका? एंड्स एंड मींस का। एंड्स क्या है यहाँ पे? आपके नेशनल इंटरेस्ट, मतलब हमारा ऑब्जेक्टिव और गोल क्या होता है? टू प्रोटेक्ट द नेशनल इंटरेस्ट। तो एंड क्या हो गया हमारा? नेशनल इंटरेस्ट। और मींस मतलब जिसके थ्रू हम अपने एंड को, अपने एम्स एंड ऑब्जेक्टिव को अचीव करते हैं, वो मींस क्या होते हैं? पावर्स एंड कैपेबिलिटीज। जिस नेशन में जितनी पावर्स उसके पास, जितना जो पावरफुल है, जो ज़्यादा कैपेबल है, वो क्या करेगा? अपने एंड्स को अच्छे से प्रोटेक्ट कर सकता है, सेफ गार्ड कर सकता है। तो फॉरेन पॉलिसीज आर सिंथेसिस ऑफ एंड्स एंड मींस ऑफ नेशन स्टेट, हु सेड दिस? तो ये आपके बोला है, यहाँ पर ऑप्शन हो जाएगा आपका डी। तो याद कर लो कि फॉरेन पॉलिसीज आर द सिंथेसिस ऑफ एंड्स एंड मींस। तो एंड्स एंड मींस समझ आ रहा है आपको कि क्या है? एंड्स क्या होते हैं हमारे? जो हमारे ऑब्जेक्टिव एंड गोल्स होते हैं, जैसे नेशनल इंटरेस्ट यहाँ पर हो गया। मींस मतलब होता है कि जिन मीडियम के थ्रू हम अपने गोल्स को अचीव करते हैं, जिन तरीकों से। तो मींस क्या हो जाते हैं आपके? पावर एंड कैपेबिलिटीज। तो आंसर हो जाएगा आपके कोलम्बियस एंड वोल्फ, आपका ऑप्शन डी। फॉरेन पॉलिसी इज अ सिस्टमेटिक स्टेटमेंट ऑफ डेलिबरेटली सेलेक्टेड नेशनल इंटरेस्ट, हु सेड दिस? सो पूछा है कि फॉरेन पॉलिसी एक सिस्टमेटिक स्टेटमेंट है जिसमें डेलिबरेटली सेलेक्टेड नेशनल इंटरेस्ट होते हैं। बट ऑब्वियस फॉरेन पॉलिसी इज ऑल अबाउट नेशनल इंटरेस्ट, राइट? प्राइमरी होते हैं नेशनल इंटरेस्ट। तो ये स्टेटमेंट किसने दी है? आपके आपके हार्टमैन ने, ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। तो इस तरीके के स्टेटमेंट UGC नेट में आपके बहुत पूछता है और MA एंट्रेंस टेस्ट में भी पूछने की बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं इस तरीके के स्टेटमेंट्स। ये कुछ फंडामेंटल डेफिनेशंस हैं फॉरेन पॉलिसीज़ की जो बहुत ही पॉपुलर हैं, राइट? तो ये स्टेटमेंट हमें याद करके जाने हैं। नेक्स्ट है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि हु इज़ द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? तो इंडियन फॉरेन पॉलिसी का जन्मदाता, फादर या चीफ आर्किटेक्ट किसे माना जाता है? आपके जवाहरलाल नेहरू। तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विच आर्टिकल रिलेटेड टू द ऑब्जेक्टिव ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी? हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो हम ऑब्जेक्टिव ऑफ द इंडियन फॉरेन पॉलिसी को मेंशन करता है या डिस्क्राइब करता है? तो ये है आपका आर्टिकल 51। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, आर्टिकल 51 जो DPSP डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का पार्ट है, उसमें आपका इंडियन फॉरेन पॉलिसी का ऑब्जेक्टिव मेंशन है, राइट? तो ये आर्टिकल 51, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट है कि द मेन एम ऑफ इंडियाज फॉरेन पॉलिसी इज,
इंडिया की फॉरेन पॉलिसी का मेन एम क्या है? तो ये है आपका टू प्रमोट द इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी, ऑप्शन डी। और यही आपका आर्टिकल 51 में मेंशन है। नेक्स्ट है कि जो आपका आर्टिकल 51 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, ये किस पार्ट का हिस्सा है, कहाँ पर आता है? तो जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया कि ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है। सो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी में आर्टिकल 51 है जो आपकी बात करता है इंडियन फॉरेन पॉलिसी का एम्स के बारे में, राइट? नेक्स्ट है कि इंडिया सपोर्टेड लिबरेशन मूवमेंट इन, तो इसका इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, एफ्रो एशियन कंट्रीज पे। आपको याद है कि इंडिया हम लोगों ने क्या डिस्कस किया था, नैम एंड ऑल, जिसमें आप देखेंगे कि इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट को फाइंड आउट किया, इसके बाद से एक मूवमेंट बनाया, एक 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 ऑर्गेनाइजेशन बनाया जिसको लोगों ने, बहुत सारे जो न्यू इंडिपेंडेंट कंट्रीज थी उन्होंने ज्वाइन किया। तो इंडिया ने जो लिबरेशन मूवमेंट है, जो फ्रीडम थी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज की या कॉलोनियल कंट्रीज की, वो ज़्यादातर कंट्रीज कहाँ से बिलोंग करती थी, या तो अफ्रीकन कंट्रीज थी या एशियन कंट्रीज थी। तो एफ्रो एशियन कंट्रीज थी जहाँ पर लिबरेशन मूवमेंट को इंडिया ने सपोर्ट किया है। इंडिया सपोर्ट्स दी, अब इसमें से चार ऑप्शन दिया है, इसमें पूछा कि इंडिया किस चीज को सपोर्ट करता है इनमें से, तो आंसर हो जाएगा आपका नॉन अलाइनमेंट को। तो कॉलोनियलिज्म को तो इंडिया क्या करता है, क्रिटिसाइज करता है। आपका रेसियलिज्म को भी इंडिया इसके अगेंस्ट में था, आम रेस के भी इंडिया अगेंस्ट में है, तो इनको तो सपोर्ट कर नहीं रहा है। तो इंडिया किसे सपोर्ट कर रहा है, बेसिकली नॉन अलाइनमेंट को। और हमने देखा था कि नैम का फाउंडिंग मेंबर भी है इंडिया, राइट? तो इंडिया सपोर्ट्स नॉन अलाइनमेंट। नेक्स्ट, इंडिया हैड डिप्लोमेटिक रिलेशन विद साउथ अफ्रीका इन 1954। द मेन रीज़न वॉज, इंडिया पूछ रहा है कि इंडिया के डिप्लोमेटिक रिलेशन रहे हैं साउथ अफ्रीका के साथ, और इसका मेन रीज़न क्या था? तो आपका आंसर हो जाएगा यहाँ पर, टू प्रोटेस्ट अगेंस्ट द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड। द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड का मतलब ये होता है जो रेसियल डिस्क्रिमिनेशन से रिलेटेड होती है। तो इंडिया हैज़ ऑलवेज बीन अगेंस्ट द रेसियल डिस्क्रिमिनेशन। तो इसी के लिए इन्होंने जो एफ्रो एशियन कंट्रीज थी वहाँ पर लिबरेशन मूवमेंट को इंडिया ने सपोर्ट किया था, और वहाँ पर हो रहा जो जो कॉलोनियलिज्म था, इम्पीरियलिज्म था या रेसियल डिस्क्रिमिनेशन था, उसको इंडिया ने अपोज किया है। तो इंडिया के जो डिप्लोमेटिक रिलेशन रहे हैं साउथ अफ्रीका के, उसका एक रीज़न ये भी था कि इंडिया जो वहाँ की जो पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड थी उसके अगेंस्ट में था। इंडिया स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज्ड द पॉलिसी ऑफ अपार्थाइड इन साउथ अफ्रीका। और इस पॉलिसी का क्या मीनिंग होता है, या ये पॉलिसी किससे रिलेटेड है आपकी, तो ये हो जाएगा आपका द पॉलिसी ऑफ रेसियल डिस्क्रिमिनेशन। नेक्स्ट है कि द मेन रीज़न व्हाई इंडिया सपोर्ट्स नॉन अलाइनमेंट, व्हाट इज़ द रीज़न कि इंडिया ने नॉन अलाइनमेंट को सपोर्ट किया, तो ये है टू मेंटेन द फ्रेंडली रिलेशन विथ ऑल कंट्रीज। सी देखो, अब इसमें एलिमिनेशन भी करना है, मैं नहीं कह रही कि एज इट इज़ रट के जाओ। देखो, पहला देखेंगे कि टू प्रमोट द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं, टू सपोर्ट द लिबरेशन मूवमेंट इन द अफ्रो एशियन कंट्रीज, ठीक है। टू बिल्ड अप द थर्ड ब्लॉक ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर, तो ये तो बिल्कुल नहीं है, कोई ब्लॉक नहीं बना रहा था इंडिया। नॉन अलाइनमेंट बेसिकली आप ऐसे समझो, क्या था, आप यहाँ से समझ सकते हो कि थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज को प्रमोट करना या लिबरेशन से संबंधित नहीं था। नैम बेसिकली आपका क्या था कि हमें जो पावर, जो ब्लॉक पॉलिटिक्स थी, टू मिलिट्री ब्लॉक्स थे यूएसए एंड यूएसएसआर, उनसे हमें अपने आप को दूर रखना था, या एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी को परस्यू करना था। दिस वाज़ द मेन रीज़न फॉर नैम, हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है अपने लेक्चर्स क्लासेस में। तो जो नैम था उसका यही था, अब हमें पावर पॉलिटिक्स से दूर क्यों रहना था, क्योंकि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी परस्यू करनी थी, प्रैक्टिस करनी थी। अब जब इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी करेंगे हम, तभी तो हम हर एक कंट्रीज के साथ में फ्रेंडली रिलेशन बना पाएंगे। हमें किसी पर्टिकुलर कंट्री के साथ में एलाय नहीं करना था, उसको एलाइज नहीं बनना था, हमें हर एक कंट्री के साथ में फ्रेंडली रिलेशन बनाना था, राइट? तो आंसर हो जाएगा टू मेंटेन द फ्रेंडली रिलेशन विथ ऑल कंट्रीज। तो नैम का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया कि
क्यों हुआ था ये, क्या रीजन था, क्या मेन ऑब्जेक्टिव था। अगर अभी भी कोई डाउट है तो लेट मी नो इनटू द कमेंट बॉक्स। तो आप भी अभी मुझे पढ़ा दो थोड़ा सा, आप भी, मैंने इतना पढ़ा दिया आपको, आप मुझे बताओ कि ये जो नैम है आपका, इसकी पहली कॉन्फ्रेंस कब और कहाँ हुई थी, इतना आप मुझे कमेंट में बताइए। तो आगे चलें। द टर्म पंचशील वॉज एम्बडीड इन द इंडिया चाइना ट्रिटी। ठीक है, इंडिया चाइना ट्रिटी में आपको पता है हमने पंचशील का कॉन्सेप्ट रखा। पंचशील में हमारे क्या थे, फाइव प्रिंसिपल्स थे जो हम अपने, जो ये बायलेटरल रिलेशंस थे इसमें इंडिया चाइना के, उस पे उसको प्रैक्टिस करेंगे। तो ये कहाँ पर मेंशन है आपका, इंडो चाइना ट्रिटी है उसकी प्रियम्बल में। व्हाट आर दीज फाइव प्रिंसिपल, लेट मी नो इन टू द कॉमेंट बॉक्स कि कब है। और हाँ, दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ही है, मैं पूछने वाली थी नेक्स्ट क्वेश्चन कि पंचशील कब साइन किया गया था इंडो चाइना ट्रिटी के दौरान। तो यही मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था जो मैं आपसे पूछने वाली थी कि मुझे कॉमेंट बॉक्स में बताइए, बट नेक्स्ट क्वेश्चन ही मैंने फॉर्मुलेट कर रखा है उसका, क्योंकि बहुत ही फंडामेंटल फैक्ट है हमारे इंडियन फॉरेन पॉलिसी का, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो जैसे कि आर्टिकल 51 था, उसी तरीके से पंचशील बहुत इंपॉर्टेंट है। आप इसके फाइव प्रिंसिपल्स याद कर लो, और इसको कब साइन किया गया था, तो ये किया गया था आपका 1954 में, डेट इसको जरूर याद करके जाना गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, पंचशील वॉज साइंड बाई कौन कौन से पॉलिटिकल लीडर्स थे जब पंचशील को साइन किया गया था, ये पूछा है। तो इंदिरा गांधी तो थी नहीं, चरण सिंह थे नहीं, लाल बहादुर शास्त्री के टाइम पर हुआ नहीं था। तो आपको अगर डेट याद है ना, 1954 में साइन हुआ था, तो 1954 में कौन था इंडिया में उस टाइम पे, तो हम देखेंगे कि जवाहरलाल नेहरू और आपके जो चाइनीज काउंटर पार्ट थे जिनके साथ में जवाहरलाल नेहरू ने ये साइन जो डील है वो साइन करी थी, चाओ इन लाए। नेक्स्ट है कि इंडियाज फॉरेन पॉलिसी सपोर्ट द नॉन अलाइनमेंट बट इंडिया हैज ऑलवेज अ स्पेशल बायस टूवर्ड्स द, तो ये पूछा है कि इसमें किसके प्रति था, अफ्रो एशियंस जो अफ्रीकन एंड एशियन कंट्रीज थी उनके प्रति। व्हेन डिड इंडिया एक्सेप्ट द, सी यहाँ पे कहीं पे भी आपका रसिया नहीं दिया हुआ है। तो जो दिए हुए ऑप्शंस हैं उनके आधार पर जब हम करने जाते हैं, तो हमारे स्पेशल रिलेशन रहे हैं अफ्रीकन और एशियन कंट्रीज के साथ में। व्हेन डिड इंडिया एक्सेप्ट द ब्रिटिश क्राउन एज द हेड ऑफ कॉमनवेल्थ, तो ये कब इंडिया ने एक्सेप्ट किया था आपका, ऑप्शन ए 1949 को। तो ये बेसिक फैक्ट्स हैं, फिर से मैं कहूंगी इन्हें आप, इतना तो आपको पता होना चाहिए, इतना आपको याद करके जाना ही है। इंडिया होस्टेड द कॉमनवेल्थ समिट इन, इंडिया ने कॉमनवेल्थ समिट कब होस्ट करी थी आपका, ऑप्शन डी 1983 में। और एक रिसेंट, इसका एक करंट न्यूज चल रहा है कॉमनवेल्थ का गाइस, अभी रिसेंटली जो टू नेशन स्टेट हैं उन्होंने, या टू कंट्रीज हैं उन्होंने ज्वाइन करने के लिए ज्वाइन किया है कॉमनवेल्थ का, कॉमनवेल्थ समिट को लेकर। तो अभी मुझे बताइए कि वो दो कौन है, और वो दोनों ऐसी कंट्रीज हैं जो ब्रिटिश कॉलोनी का पार्ट नहीं रही है, मतलब वो ब्रिटिश की कॉलोनी नहीं रही है, फ्रेंच कॉलोनी रही है उनमें। तो वो दो कंट्रीज हैं, इस पर मैंने एक करंट का वीडियो बनाया है, जब ये अभी हाल ही में न्यूज आई थी कि ये दो कंट्रीज हैं अफ्रीकन कंट्रीज हैं। चलो मैं आपको इतना बता दूं, अफ्रीकन कंट्रीज हैं जिन्होंने अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया है। तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि वो दो कंट्रीज के नाम क्या हैं, इस पर मैंने करंट का एक वीडियो भी बनाया था। तो इस तरीके के क्वेश्चंस भी आपसे पूछ सकता है, ये करंट का पार्ट है और एज वेल एज हमारे कॉमनवेल्थ का स्टार्टिंग पोर्शन हमारे सिलेबस में है ही। तो आप मुझे कमेंट में बताओ कि रिसेंट में कौन सी दो कंट्रीज हैं या नेशनल नेशन स्टेट हैं जिन्होंने अभी हाल ही में कॉमनवेल्थ को ज्वाइन किया है, बताना जरूर मुझसे कमेंट में। क्योंकि आपको ना ये जो एडिशनल इंफॉर्मेशन, जियो पॉलिटिक्स हो रहा है, आईआर की करंट न्यूज है, उसको भी ध्यान रखना है, अवेयर होना है ना इन सब चीजों से।
मेंबरशिप पूछ सकता है कि कितने टोटल मेंबर्स हैं कॉमनवेल्थ में। तो इसके हाँ, तो जब आप करोगे कि किन दो कंट्रीज ने ज्वाइन किया है, मैंने वीडियो बनाया है प्रॉपर इस पे, और मैंने उस पे डिटेल मेंबरशिप भी बताई है कि कितनी मेंबरशिप हो गई है। तो ये आप चाहो तो वो वीडियो जरूर देख लेना, कॉमनवेल्थ समिट वाला जो करंट का प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हो उसे, ठीक है, जिससे कि आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं कि हु वॉज द इंडियन प्रेसिडेंट ऑफ यूएन जनरल असेंबली, इनमें से तो कौन रही है, विजय लक्ष्मी पंडित, तो ऑप्शन हो जाएगा आपका सी। हाउ मेनी टाइम्स इंडिया बिकम नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल। तो हमने एक क्वेश्चन भी किया था कि यूएन सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप, जिसमें से इस 5 परमानेंट मेंबर्स होते हैं, 10 नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं, तो इंडिया पूछा है कि इंडिया कितनी बार नॉन परमानेंट मेंबर रहा है यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का। तो अभी इस क्वेश्चन के हिसाब से ऑप्शन है आपका बी, 7 टाइम्स। लेकिन हाँ, वंस अगेन, अब मुझे नहीं पता कि आप ये क्वेश्चन कब, ये जो ये वीडियो है कब देख रहे हो, हो सकता है आज देख रहे हैं, या हो सकता है 2 साल बाद कोई इस वीडियो को देखे। तो जब आप देख रहे हो तो ये सब क्या है, ये करंट अफेयर का पार्ट है। तो जब आप वीडियो देख रहे होगे तो इसे एक बार क्रॉस चेक कर लेना, राइट। पता चले कोई स्टूडेंट 2 साल बाद इस वीडियो को देख रहा है और वो फिर भी 7 मेंबर्स इस वीडियो के हिसाब से याद करके चला गया, बट हो सकता है कि इंडिया की मेंबरशिप एक बार और बढ़ गई हो, एक बार और चुन लिया गया हो यूनाइटेड सिक्योरिटी काउंसिल का नॉन परमानेंट मेंबर। तो वहां पर आपका आंसर गलत हो जाएगा और आप फिर मुझे ब्लेम करेंगे कि मैंने आपकी वीडियो से पढ़ा था और मेरा गलत हो गया। तो आई वुड स्ट्रांगली रिकमेंड कि जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस हों, तो जिस टाइम एंड स्पेस में आप इसे पढ़ रहे हो वहां पर इसे क्रॉस चेक जरूर कर लेना, कि कभी भी किसी भी वीडियोस के, वो मेरे ही वीडियोस के नहीं है, ये एक जनरल कॉमन सेंस है गाइस। जैसे कि प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, प्रेजेंट मेंबरशिप क्या है, तो ये सारी चीजें क्या होती हैं, करंट से रिलेटेड होती हैं। हो सकता है बढ़ गए हों, घट गए हों। तो जब आप इस क्वेश्चंस को देख रहे हो, जब इस वीडियो को, उस टाइम एक बार ऐसे क्वेश्चंस को आपको क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। कोई भी वीडियो एक्स वाई जेड यूट्यूब में देख रहे हो, ऐसा नहीं कि कोई किसी भी एजुकेटर की वीडियो देख रहे हैं आप, ऐसा नहीं कि मेरी ही देख रहे हैं, कोई भी एजुकेटर की जब वीडियो देखते हैं आप, तो जब मेंबरशिप से रिलेटेड हो या प्रेसिडेंट कौन है, डायरेक्टर कौन है, राइट, या सीईओ कौन है, इस तरीके के क्वेश्चन हमें क्रॉस चेक कर लेना चाहिए एक बार, राइट। होप सो यू गॉट द आइडिया कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। नेक्स्ट है कि इंडिया होस्टेड द 6th नेशन समिट इन 1985। तो 6 नेशन की समिट 1985 में इंडिया ने होस्ट की थी, तो ये किससे रिलेटेड थी? ऑप्शन डी, मेड अ प्रपोजल फॉर न्यूक्लियर डिसआर्मामेंट से रिलेटेड थी। नेक्स्ट है कि इंडिया ट्राइड टू वर्क क्लोजली विथ P5 कंट्रीज। तो ये P5 कंट्रीज में कौन कौन आती हैं, वेरी फंडामेंटल फैक्ट है, इसको आपको रटा होना चाहिए एकदम, राइट। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, USA, UK, फ्रांस, रसिया, चाइना। अब ये ध्यान रख लो, आप चाहे इसका कोड बना लो कैसे, अगर आपको कोई कंफ्यूजन होता है इसमें तो कोड बना लीजिए आप इसको, राइट। नेक्स्ट है कि इंडिया ट्राइज टू स्ट्रेंथन ट्राइज विथ GCC। तो GCC कौन सी संस्था है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है आपका? तो ये है आपका ऑप्शन ए, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल। द फुल फॉर्म ऑफ द बिम्स्टेक पूछा है, तो ये आप इसका फुल फॉर्म क्या है, ऑप्शन सी, बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। जब से सार्क की मीटिंग्स बंद होना होना बंद बंद हो गई हैं, तब से बिम्स्टेक को ज़्यादा प्रायोरिटी दी जा रही है। कुछ पॉलिटिकल स्कॉलर्स या जर्नलिस्ट हैं, उनके ओपिनियंस आप एडिटोरियल्स में देखोगे तो बहुत सारे हैं, वो कहते हैं, एक क्वेश्चन इस समय एक डिबेट चल रहा है साउथ एशिया में कि क्या बिम्स्टेक सार्क को रिप्लेस कर सकता है, या बिम्स्टेक एक क्या बेटर अल्टरनेटिव है सार्क के कंपैरिजन में। तो इस तरीके से बिम्स्टेक इस समय बहुत हाईलाइट रहता है साउथ एशियन पॉलिटिक्स में, और बिग ब्रिक जो आपका सॉरी बिम्स्टेक है, और बिम्स्टेक आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट
ऑर्गेनाइजेशन है इस टाइम पे साउथ एशियन पॉलिटिक्स में, क्योंकि हम देख रहे हैं कि सार्क एक ठंडे बस्ते में जा चुका है और जो बिम्स्टेक के थ्रू ये कंट्रीज आपस में कोऑपरेट कर रही, जिसमें से कुछ कंट्रीज नहीं है जैसे पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान, तो ये क्वेश्चन आता है कि क्या अब बिम्स्टेक ऑल्टरनेटिव हो सकता है क्या सार्क का? आप क्या सोचते हो, अगर आप ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपका कोई ओपिनियन है, क्या बिम्स्टेक सार्क का ऑल्टरनेटिव हो सकता है, तो आप मुझे अपना ओपिनियन कमेंट करके ज़रूर बताना। सी, इस तरीके के डिस्कशन बहुत अच्छे होते हैं और एक आपका ओपिनियन बिल्डअप होता है, तो अच्छा लगता है इस तरीके के डिस्कशन करना। सो ओपन डिस्कशन, सो जब भी मैं क्लास लेती हूँ स्पेशली, तो मैं इस तरीके के ओपन डिस्कशन ज़रूर रखती हूँ अपनी क्लासेज में, जब भी ऑफलाइन क्लासेज चल रही होती हैं कॉलेजेस में, तो मुझे जो बच्चों के जो स्टूडेंट्स हैं उनके ओपिनियंस बहुत अच्छे रहते हैं। आप देखिए ना, एकदम बहुत मज़ा आ जाता है सुन के, डिफरेंट डिफरेंट ओपिनियंस देते हैं और ये हेल्दी डिस्कशंस बहुत ज़रूरी होते हैं। आपका कॉन्सेप्ट, आपका ओपिनियन बिल्डअप होना शुरू होता है यहाँ से। पॉलिटिकल साइंस में मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करती हूँ कि आपका हर चीज़ के लिए एक अपना ओपिनियन होना चाहिए, जैसे कि क्वाड के बारे में आपका क्या ओपिनियन है, या ऑनगोइंग जो यूक्रेन रसिया क्राइसिस है क्या ओपिनियन है आपका, तो ये होना चाहिए। बीइंग अ पॉलिटिकल साइंस स्टूडेंट ये तो होना ही चाहिए, ये हैबिट डेवलप कर लो आप लोग। तो जब भी हम क्लासेस लेंगे तो हम इस चीज को के लिए प्रैक्टिस करेंगे, राइट। नेक्स्ट चलते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ द ब्रिक्स, तो ब्रिक्स का फुल फॉर्म क्या है आपका? ऑप्शन बी, ब्राजील रसिया। देखो, बी फॉर ब्राज़ील, रसिया, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। अब ब्रिक्स से आप इसको देख लो कब फॉर्म किया गया था, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, ये भी एडिशनल इंफॉर्मेशन कर लेना। इंडिया फॉरेन पॉलिसी ऑफ पीसफुल कोएग्जिस्टेंस इज लिटरली रिफ्लेक्टेड इन, ऑप्शन डी, पंचशील, राइट। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज नेशनल मोराल, इसका मतलब क्या होता है, इसका मीनिंग क्या है पूछा है, तो पैट्रियोटिज्म और लॉ ऑफ द कंट्री। डिप्लोमेसी, द टेक्निक ऑफ फॉरेन पॉलिसी इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स सच एज, क्या पूछा है आपका कि डिप्लोमेसी द टेक्निक ऑफ फॉरेन पॉलिसी, ठीक है, इज मेनली डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स सच एज ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी एंड न्यू डिप्लोमेसी। ये भी बहुत ही इम्पॉर्टेंट, बहुत ही इंटरेस्टिंग डिबेट होती है डिप्लोमेसी की, तो ट्रेडिशनल डिप्लोमेसी क्या है, न्यू डिप्लोमेसी क्या है, ये सब जब हम IR के टॉपिक्स करेंगे तो इन्हें कवर करेंगे, राइट। इंडियाज फॉरेन पॉलिसी वेमेंटली अपोजेज द कॉलोनियलिज्म एंड इम्पीरियलिज्म, बिकॉज ऐसा क्यों करती है, क्योंकि इंडिया हैड अ बिटर एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियलिज्म। बट ऑब्वियस है, जब आपके साथ कोई चीज़ बुरी होती है तो आप क्या कुछ उस चीज़ से मतलब हेट करेंगे ना, उस चीज़ को अपोज करेंगे कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, आपके साथ सोशल इनजस्टिस होता है तो आप क्या कहेंगे, डिस्क्रिमिनेशन होता है तो आप हेट करोगे ना डिस्क्रिमिनेशन से या डिस्क्रिमिनेशन करने वालों से। तो इस तरीके से इंडिया हैड द बिटर एक्सपीरियंस ऑफ कॉलोनियलिज्म, जिसकी वजह से इंडिया ने कॉलोनियलिज्म या इंपीरियलिज्म जैसी पॉलिसीज को स्ट्रॉन्गली क्रिटिसाइज किया है। नेक्स्ट है कि टू एंटर इनटू एन अलायंस USA एंड USSR वाज टू लूज वंस इंडिपेंडेंस इज द आइडिया ऑफ, ये आइडिया किसने दिया था, पंडित नेहरू ने, एंड दिस वाज द रीजन नेहरू हैज स्ट्रॉन्गली सपोर्टेड द NAM, क्योंकि पावर पॉलिटिक्स के साथ अगर किसी के अलायंस में जाएंगे तो अपनी इंडिपेंडेंस लूज कर देंगे, राइट। नेक्स्ट है, वन ऑफ द न्यूक्लियर पॉलिसी इंडिया एडॉप्टेड द पोस्चर ऑफ, इंडिया की जो न्यूक्लियर पॉलिसी है उसका सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है गाइस, नो फर्स्ट यूज। नो फर्स्ट यूज का क्या है कि इंडिया का ये कहना है कि हमारे पास ठीक है न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन हम उसका पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर हमारे किसी कंट्री के साथ में कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं तो हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे, अगर सामने वाले कंट्रीज या एनिमी कंट्री ने हमारे ऊपर इस्तेमाल किया है तो हम उससे भी बुरी तरीके से रिटेलिएट करेंगे, राइट, कंप्लीट डिस्ट्रक्शन करेंगे एनिमी कंट्री का, तो हम रिटेलिएशन पे विश्वास करते हैं ना कि फर्स्ट यूज, नो फर्स्ट यूज में। तो इंडिया ने क्या अडॉप्ट किया है, नो फर्स्ट यूज, मतलब हम पहले इस्तेमाल नहीं करेंगे न्यूक्लियर वेपन्स का।
The first non-Congress government formed by Janata Party adopted the policy of, जब पहली बार non-Congress government कौन सी बनी थी? Janata Party की. तो उन्होंने कौन सी policy adopt करी थी? Good neighborly की. Who was the first prime minister of external affair of India? तो ये कौन थे आपके? जवाहरलाल नेहरू. फिर है कि who is the current minister of external affair? फिर से आपका current affair आ गया. तो अभी जब मैं ये क्वेश्चन रिकॉर्ड कर रही हूँ, ये वीडियो या ये वीडियो मैंने अपलोड किया है, तब आप देखेंगे कि अभी हमारे पास प्रेजेंट में मिनिस्टर ऑफ एक्सटर्नल अफेयर कौन है? एस जयशंकर. लेकिन फिर से मैं एक बार फिर रिपीट करूंगी कि ये सब क्वेश्चंस क्या है? करंट अफेयर के पार्ट हैं. हो सकता है कोई स्टूडेंट इसे एक साल बाद देख रहा हो या दो साल बाद देख रहा हो. तो आप जब भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, एक बार क्रॉस चेक जरूर करेंगे. Getting it? As Indian foreign policy includes world peace, India support करता है world peace पे United Nation Organization. See, दिए हुए ऑप्शन पे आप देखेंगे सेंटो, सीटो, सार्क, ये सब नहीं. इंडिया क्या करता है? वर्ल्ड पीस के लिए स्ट्रांगली बिलीव करता है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे एंड इंटरनेशनल लॉज पे. तो सार्क, सेंटो, सीटो ये क्या है? ये इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस नहीं है. तो यहाँ पर ऑप्शन क्या है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन. तो इंडिया का एक फर्म बिलीफ है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस पे एंड इंटरनेशनल लॉज पे कि सारे कंट्रीज को फॉलो करना चाहिए एक वर्ल्ड ऑर्डर मेंटेन रखने के लिए, राइट? विच कंट्री इज नॉट शेयरिंग द बॉर्डर विद इंडिया? तो दिए हुए कंट्रीज में आप देखेंगे भूटान करता है, नेपाल करता है, श्रीलंका, बांग्लादेश करता है. श्रीलंका हमारे जो टेरिटोरियल बॉर्डर है, जो लैंड बॉर्डर है, वो शेयर नहीं करता है. तो ऑप्शन हो जाएगा सी. तो आप अभी अगर है इस तरीके के क्वेश्चंस में और देख सकते हो कि कौन कौन से स्टेट्स हैं जो पाकिस्तान को करते हैं, कौन से स्टेट है जैसे कि चाइना को शेयर कर रहे हैं बॉर्डर. तो ये भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन कर सकते हो. दूसरा जो लाइन है जैसे मैकमोहन लाइन, डूरंट लाइन, ये सारी चीज़ें भी करके जाना आप. India's posture on international dispute settlement is, India हमेशा क्या posture लेता है, क्या India की रहती है stand? Peaceful means, India का ये stand है international dispute settlement में कि हर एक countries को peaceful manner से अपने dispute resolve करने चाहिए. तो answer A हो जाएगा. India is against the CTBT. क्यों? India क्यों इसके against में है? क्योंकि इंडिया सेड दैट कि सीटीबीटी इज बेस्ड ऑन द पार्शियलिटी. एक डिस्क्रिमिनेशन वाली ट्रीटी है. ये जो वेपन स्टेट हैं P5 कंट्रीज एंड अदर जो नॉन वेपन स्टेट हैं उनके बीच में डिस्क्रिमिनेशन करती है. तो इंडिया कहता है कि जो सीटीबीटी है इट इज़ बेस्ड ऑन पार्शियलिटी, और इसी वजह से इंडिया ने सीटीबीटी को क्रिटिसाइज किया और साइन नहीं किया. तो एक छोटी सी और इन्फॉर्मेशन आप मुझे दे दीजिए कमेंट बॉक्स में. अब थोड़ा सा फिर आप मुझे पढ़ा दो, बहुत पढ़ा लिया मैंने. तो मुझे बताइए कि जो CTBT है ये ट्रीटी व्हेन इट वाज ओपन टू साइन, इतना मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में, ठीक है? थोड़ा मुझे भी ज्ञान बढ़ेगा ना मेरा भी. India's policy of non-alignment is criticized because India's policy of non-alignment को criticize किया था. क्यों? क्योंकि इंडिया ने Indo-Soviet Treaty साइन करी थी in 1971 में. इसकी वजह से इंडिया की जो non-alignment policy थी उसको काफ़ी criticize किया गया था. क्योंकि हम तो जो non-alignment था उसमें हमें power politics से दूर रहना था, बट यहाँ तो हम Indo-Soviet Treaty साइन कर रहे हैं तो इसका मतलब हम allies बन रहे हैं. जब तो इस वजह से इंडिया की इस पॉलिसी को criticize किया गया था. यहाँ पर एक सेपरेट क्वेश्चन भी बन सकता है कि जो इंडो सोवियत ट्रीटी है वो कब साइन की गई थी 1971 में. एक सेपरेट क्वेश्चन बन सकता है यहाँ पर, तो उसे भी आपको ध्यान रखना है. नेक्स्ट है कि स्कॉलर्स जनरली क्लासिफाइड फॉरेन पॉलिसी इन टू. तो जनरली कौन सा क्लासिफिकेशन करते हैं आपके टू पार्ट्स पे? हाँ, स्कॉलर्स जनरली क्लासिफाइड द फॉरेन पॉलिसी इन टू टू पार्ट्स. तो ये एक बेसिक सा फैक्ट है. तो ये थे आज के 40 क्वेश्चंस हमने फॉरेन पॉलिसी में किए हैं, और होप सो यू लाइक्ड इट गाइस. और बहुत ही बेसिक से फैक्ट, फंडामेंटल फैक्ट हैं जो आपको फॉरेन पॉलिसी के बारे में पता होना चाहिए.
क्योंकि आपसे एक्सपेक्टेशन की जाती है ना कि बेसिक फैक्ट्स तो एटलीस्ट आए। चलो कोई टफ आ जाएगा तो सबके लिए टफ होगा, आपके लिए टफ नहीं होगा, बट लेकिन इजी क्वेश्चंस गलत करते हो, जैसे कि आर्टिकल 51 को कर रहे हो गलत, या नैम के बारे में कोई क्वेश्चन गलत कर रहे हो, पंचशील के बारे में कोई गलत कर रहे हो, तो ये सारे क्या है, ये कॉमनवेल्थ के बारे में गलत कर रहे हो, तो ये बेसिक फैक्ट है इंडियन फॉरेन पॉलिसी के। आप इन्हें गलत करोगे तो फिर तो कोई मतलब उसका ऑल्टरनेटिव ही नहीं है। तो आप जितना MCQs प्रैक्टिस करेंगे उतना सही रहेगा आपको UGC नेट JRF क्वालिफाई करने के लिए, अपना MA का एंट्रेंस टेस्ट क्वालिफाई करने के लिए, राइट। और इससे हमारा कॉन्सेप्ट भी स्ट्रांग होता है। मैंने एक चीज़ ऑब्जर्व करी है अपनी जर्नी के दौरान कि जब आप MCQs प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो कॉन्सेप्ट होता है वो भी और स्ट्रांग होता है और क्लियर होता है, रैदर देन कि सिर्फ आप कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट पढ़ते रहो। तो फैक्ट जो MCQs के रूप में प्रैक्टिस करने से आपका कॉन्सेप्ट में और क्लैरिटी आती है, गेटिंग इट। सो मुझे कमेंट, कुछ मैंने क्वेश्चंस पूछे हैं आपसे, मुझे बताइएगा, अपना ओपिनियन जरूर देना। और हाँ, कॉमनवेल्थ का अगर आप इस बार UGC नेट में प्रिपेयर हो रहे हो 2022 में, और 2022 में आप MA एंट्रेंस टेस्ट में अपियर हो रहे हो, तो कॉमनवेल्थ का जो IR वाला आप करंट अफेयर का वीडियो है उसको जरूर देखना, जिसमें टू नेशंस ने अभी ज्वाइन किया है रिसेंटली में, तो उसको जरूर देखना, राइट। तो ये वीडियो थी आज के लिए, होप सो यू लाइक इट। अगर आपको पसंद आई हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, और अपने फ्रेंड्स ग्रुप में या शेयर करो, थोड़ा सा मुझे सपोर्ट मिले। थोड़ी मेहनत लगती है इन वीडियोस को बनाने में, और मुझे अगर आपका सपोर्ट मिलेगा तो बेसिकली आपका सपोर्ट एक मोटिवेशन की तरीके से काम करेगा मेरे लिए, मुझे भी मोटिवेशन मिलेगा थोड़ा और हार्ड वर्क करने की, और इस तरीके के वीडियोस रोज सुबह वीडियोस उठ कर बनाना, रिकॉर्ड करना, लेक्चर्स बनाना, फिर अपलोड, रिकॉर्ड करना, अपलोड करना, तो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है, थोड़ी टफ प्रोसेस हो जाती है, मेहनत लगती है। तो प्लीज अपना सपोर्ट मुझे, अपना प्यार ऐसे ही देते रहें जैसे आप दे रहे हैं, और थैंक्स अ लॉट, आई एम ग्रेटफुल टू यू गाइज, थैंक्स अ लॉट सच में, एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, विश यू ऑल द बेस्ट, एंड तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप एक्सप्लोरिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, टेक केयर।